अपडेट होती हुई दुनिया, भाग दौड़ वाले लोग हमें ये रिप्रेजेंट करवाते हैं ऑनलाइन पे कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं सकते, अभी तक हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें ये कुछ अचीव कर लेना चाहिए था, फ़लाँ इंसान ने देखो इतना कुछ किया, फ़लाँ ने इतना कुछ किया, तुम कुछ नहीं कर पाए। तो लोग हमें ये रिप्रेजेंट करवाते हैं पूरी ज़िंदगी में, बस उनका काम ये होता है। और जानी मैं तुम्हें बताऊँ तो सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस एक नहीं होती, सबकी फ़िज़िकल कंडीशंस एक नहीं होती। सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इज़ अ जर्नी। मैं तुम्हें एक ही बात बताने की कोशिश करूँगा कि देखो हमें रिप्रेजेंट पता है हमें कि लोग हमें जो फील करवाते हैं वो फेक है, सक्सेस या ऐसे वैसे, लेकिन क्यों हमें उसी बातों से एंटायर फीलिंग आती है सैडनेस वाली? क्यों हम कभी किसी ज़माने में एंजॉय करने वाले इंसान ऐसे मीम्स को, ऐसे रील्स को, ऐसे लोगों को सुन के क्यों सैड हो जाते हैं? तो भाई उसका वन एंड ओनली एग्जाम्पल एक ही चीज़ है, वो हमारी फीलिंग्स। देखो या तो फीलिंग्स तुम्हें आबाद कर देंगे या तो बर्बाद कर देंगे। और ये जो लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है, रील्स पे, इस पे सब है, ये तुम्हें ना चाहते हुए फील करवाते हैं कि तुम बहुत कुछ वीक हो, अभी तुम कुछ नहीं हो। मेरे भाई पैसे से सब कुछ नहीं होता। जो लोग फिजिकली परेशान हैं, जिनको मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे, जो लोग ऑर्गेन्स के लिए घूम रहे हैं सुबह से शाम तक, मतलब सेफ्टी के लिए घूम रहे, सिक्योरिटी के लिए घूम रहे, जिनकी खुद की बॉडी के लगे पड़े, मतलब प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, एक्सेट्रा, यू नो, बट क्या वो लोगों को सक्सेस इतनी पसंद आएगी जितनी आज तुम्हें आ रही है? नहीं आएगी, क्योंकि उनको पहले अपनी हेल्थ ठीक करनी है, अदरवाइज उनको फिर बाद में जाके सक्सेस की सोचनी। तो मेरे भाई आज तुम्हारे पास हेल्थ है, फिट हो तुम, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके पास होती है, फिट हो तुम, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम्हारे घर में खाना डाल रहे, बाहर नहीं निकाल दिया तुमको, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इज़ ए जर्नी। सक्सेस कब मिलेगी किसी को पता नहीं, ये एक ऐसा मुकाम है जिसके लिए बहुत सारे लोग तय करते करते मर गए और बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी अचीव हो गई, किसी को नहीं पता। बस ये डिपेंड करता है क्रिएटिविटी पे, आपके काम पे, आपके कंसिस्टेंसी पे, बहुत सारी चीज़ों पर। ये जो लोग कहते हैं कि तुमसे मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ तुम नहीं कर सकते, या आगे तुम कुछ कर लो, ये कर लो, जो सलाह देते हो घूमते लोग, मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, सक्सेस सबके लिए एक नहीं होती। सबके मेंटल कंडीशंस अलग है, सबके हालात अलग है। इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान दूसरे इंसान की हालत सिमिलर नहीं है, मतलब सबकी हालत लगी पड़ी है, किसी की कुछ तो किसी की कुछ। अब वो नहीं बता सकता मैं कि किसकी कैसी लगी पड़ी, बट इंटायर जो तुम्हारी जर्नी है, जो तुम्हारा कांटों का बिस्तर है, वो एक दिन सक्सेस में बदल जाएगा। कांटों के बिस्तर पे सोना सीखो, तभी तुम सक्सेस को डिजर्व कर पाओगे। लोग कहेंगे तुम्हें इंटरनेट सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी बकवास बातों से कि तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तुम्हें अभी तक ये करना चाहिए था। वो इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके इमोशंस क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपका अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। ठीक है, तो भाई सोचना मत कभी कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम कर लोगे, ये कर लिया तुमने, वो कर लिया तुमने, बहुत कुछ कर लिया अभी तक की ज़िंदगी में, तुम जिंदा हो अभी तक, बहुत बड़ी जर्नी है इस दुनिया में, तुम आगे बहुत कुछ कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाओगे ना तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी को जीना सीखो। सक्सेस सब कुछ नहीं होती, लोग आजकल सक्सेस को ही सब कुछ मान लिया। यकीन मानना, अगर एक दिन तुम कभी ICU में पड़ जाओगे, अगर तुम कहीं हॉस्पिटल में पड़ जाओगे ना, दुआ मांगोगे रब से सक्सेस गई तेल लेने, बस मेरे को ठीक कर दे, कल से मैं अपनी सेहत की केयर करूँगा। सक्सेस सब कुछ नहीं होती, सक्सेस मैटर करती है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी लोगों के सामने सेल्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए सक्सेस मैटर करती है, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन इतनी नहीं जितना आज लोग समझ कर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। दो वक्त का तुम खा सकते हो, अपने घर वालों को खुश रख सकते हो, तो अभी प्रेजेंट टाइम में ठीक है, आगे तुम अपडेट करना अपने आप को। टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेट मत हो, बिजनेस नहीं कर पा रहा, जॉब नहीं कर पा रहा, एग्जाम ग्रैप नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में तुम हर जगह पे तुम्हें दो चांस मिलेंगे, और एक चांस देगी ज़िंदगी, कहीं ना कहीं देगी, एक ही चांस देगी, याद रखना, आगे का आगे भी दे सकती है, बट एक चांस तो डेफिनेटली देगी, ऐसा तो होगा नहीं कि कभी नहीं देगी। और उस चांस के लिए तुम्हें वेट करना है, इतना प्रिपेयर होना है, और ऐसे उस चांस तुम्हें मिलेगा, वैसे तुम्हें ज़िंदगी को फाड़ देना है, मतलब तुम्हें बता देना है कि तुम क्या चीज़ हो, सक्सेस को फैला देना है तुम्हें, मिलेगा ऐसा चांस, टेंशन मत लो। और चांस मिलेगा इसके इंतज़ार में तुम पागल बन के मत बैठो, चांस मिलेगा बट उसके ऊपर तुम्हारी स्ट्रगल डिपेंड करती है, तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। ठीक है, मेहनत करो, लोगों की बातें चलती रहेंगी, लोग बातें करते रहेंगे, वो पेशा है उनका, बस तुम्हें मेहनत करना है। और देखो मेहनत से सब कुछ होगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो कंधों के ऊपर जो चीज़ है ना, उसकी मेहनत करनी, दिमाग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ।